गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है नेशनल और इंटरनेशनल बोथ उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों अब रेसेस कंटिन्यूस है पूरे महीने रेसेस रहेगी कल से आज से अगले महीने की उनतीस तारीख तक तो कमर कस कैसले सब लोग और सभी को मालूम है आज ड्रीम टू तो सक्सेस ओनली सक्सेस का मंथली पैकेज और सिंगल डे पैकेज दो दिन से शुरू हो चुका है और ये दो दिन जो भी करा रहे हैं वो सब मतलब कि इसी मंथ में कैलकुलेट हो जाएगा मंथ एंडिंग तक चलेगा दो दिन फ्री हो जाएगी आज और कल ठीक है मंथली पैकेज में ये समस्या ठीक हो जाती है कि एक तो आपको मतलब कि बिल्कुल नोमिनल पड़ता है और सिंगल डे भी चल रहा है और साथ में मेरा एक डिस्क्लेमर है नो सियोर शॉट नो गन शॉट नो कन्फर्म बेट ये हॉर्स रेसिंग है हम हमारी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देंगे आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक हमें दोष नहीं देना बट स्टडी इतनी करेंगे पूरी रात शिद्दत से करेंगे क्योंकि यही हमारा पैशन प्रोफेशन और आज एक दो दिन नहीं है तीन साल हो गए हैं पूरी टीम प्रसन्न है सब मस्त है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहता है सिक्स थ्री जीरो नाइन फोर नाइन टू सिक्स थ्री फाइव बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज करते हैं कल से बहुत मैसेज आ गए कि सर आपने वीडियो नहीं डाली एक्चुअल में दिल्ली के बाद एक दिन गैप मिला था मैंने उसमें प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम मतलब टोटल मिला करके पूरे महीने रेसेस है तो अब से हमने ये सोचा है कि यार हम एक सिंगल चॉइस तो देते ही हैं जो कि बेस्ट थोड़े होते हैं उसके बाद जो सेकंड थर्ड देते हैं वो भी ऑन बोर्ड रहती है तो क्यों ना बड़े भाव पे भी रिस्क लिया जाए जो कि सात का भाव छः का भाव पाँच का भाव रहता है तो अब से पूरे महीने ऐसे ही किया जाएगा और कमेंट्री में बता दिया जाएगा अब देखो दिल्ली में हमने ये दिया था आउट ऑफ सेवन सिक्स रेसेस आई वो जो चौथी रेस है वहाँ पार्टी ड्रीम्स को प्लेस दिया था चौदह नंबर फेवरेट ही था अब वो चौदह दे सकता था मैं विन प्लेस सिंगल में बट पहली चॉइस चौदह ही थी तो आउट ऑफ सेवन सिक्स रेस आई सब बोलने की आवश्यकता नहीं आप ख़ुद चेक कर लेना टाइम के हिसाब से है ठीक है क्योंकि वीडियो फिर बड़ी हो जाएगी क्योंकि बेंगलोर का कार्ड नो रेस का बनाया है तो नेर, नो नो रेस का कार्ड मतलब एक बजे शुरू हो जाएगी रेसेस तो मेरी आप सभी से एक गुजारिश है एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखना है रेसिंग में होश में जोश नहीं खोना है बड़ा अमाउंट कभी नहीं लगाना है पूरे महीने का एक टारगेट बनाना है कि मुझे पूरे महीने चाहे आप एक हज़ार लगाओ चाहे दो हज़ार लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ पूरे मैंने मुझे इतने लगाना है और रेसिंग से इतना लेना है जब तक आप ये लिखोगे नहीं तब तक होगा नहीं और आपको ये लिखना पड़ेगा कॉपी पेन में कि मुझे रोज़ क्या आया क्या गया और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ लाभ में जाएं बट आज भी कहता हूँ रेसिंग में अगर कोई आपको कहता है ये सीओर आएगा ये गन आएगा ये, गन आएगा, ये कन्फर्म आएगा तो होश में जोश मत खोना उसकी बात मानना मत क्योंकि रेसिंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है अपना पेशेंस रखना कि मुझे रोज़ क्या करना है मेरा काम सिर्फ गाइड करने का है क्योंकि ये सेल्फ रेस्पॉन्सिबल गैमलिंग है कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसे बच बच के खेलना है और एक प्रकार का जोखिम है इसमें ये मेरा डिस्क्लेमर है ठीक है ना अच्छी आदत नहीं है तो पहली रेस आते हैं मेडन रेस है अब मेडन में क्या होगा कोई भी मार सकता है किधर से भी तो इस रेस को चाहे तो स्किप कर दें पूरे महीने रेसेस रहेगी रोज़ कुछ ना कुछ घर ले जाने की कोशिश करें और नए साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं यार आने वाला है एडवांस में दो दिन से ही बोलते जा रहा हूं मैं मस्त रहें और 2024 को बड़ा भयंकर बनाएंगे तो पहली रेस स्किप कर देना वैसे देखो इसमें छः नंबर शायद हॉट फेवरेट होगा स्कारलेट लेडी विवेक जी को बैठा है और आज सूरज चार रेस पे है ट्रेवर तीन पे है श्रीनाथ भी है चिश्ती भी है जॉन भी है सब हैं आज बेंगलोर में ठीक है न और बेंगलोर आपको रिकॉर्ड रहा ही है पिछले बार से कैसे कर रहा है हर फेवरेट खा रहा है ठीक है ना तो सूरज पे मेरे को थोड़ा सा विश्वास कम होता है तो हेलोइस भी बढ़िया है एक नंबर नो डाउट इमरान चिष्टी को बैठाए बट यहाँ पर एक फ्लूटर है जिसके ऊपर हम जाएंगे क्योंकि मेडन में क्या है या तो रिस्क ले रहे हो तो छोटा लो लेकिन बड़े भाव पर लो ना क्या दिक्कत है तो वफादार पर जाएंगे तीन नंबर वफादार ये भी बहुत अच्छा हॉर्स है ट्रेवर का तो ट्रेवर मेरे ख्याल से आज कमाल दिखा सकता है ठीक है बट स्टडी के मुताबिक ट्रैक के मुताबिक वफादार इज़ गुड वफादार मतलब वफादार रहना हमेशा और रेसिंग का रूल है कि जो अच्छा रहेगा ईमानदार रहेगा वही रेसिंग में कुछ ना कुछ कामयाब कर पाएगा यहाँ होशियारी नहीं चलती है ठीक है तो वफादार को देखो सेकंड रेस आते हैं सेकंड रेस में देखो फेवरेट कुछ भी रहे मेरे ख्याल से दो नंबर प्रिंस जासमिन को प्रिंसेस जासमिन को कोई देगा नहीं ये हमारी थर्ड चॉइस होगी सेकंड या थर्ड चॉइस होगी सिंगल कुछ और होगी ठीक है क्योंकि अब हम कोशिश करेंगे आपको कुछ बड़ा भाव दें अभी आए नहीं आए मुझे दोष नहीं देना बट इनमें से निकाल करके क्योंकि देखो थर्ड भी अगर लगता है तो प्लेस भाव अगर दो रुपये ढाई रुपये रहे तो ठीक है रिस्क लेना है तो साठ पैसे से बेटर है कि चार रुपये में लिया जाए ना इधर आएगा या जाएगा क्योंकि हमारा तो एक फार्मूला है एक सिंगल देते हैं साथ में एक चार्ट देते हैं वो उनके लिए क्योंकि फिफ्टी परसेंट कॉम्बिनेशन पुल वाले हैं ठीक है इसका एडजस्टमेंट ठीक है बाकी थर्ड रेस आते हैं थर्ड रेस भी थोड़ी डेंजर है क्लास फाइव की है ना तो इसे मत खेलें तो ही बेटर है क्योंकि इसमें विनर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऐसे दिख तो रहा है अपोलो लाइट वगैरह दो नंबर लेकिन बोर्ड पे रहेगा लेकिन प्लेस अगर बेंगलोर में मिल रही है तो खेल लिया करो बाकी ऐसे ही सिलसिला चलते रहेगा रेसिंग में पेशेंस रखना है पूरे महीने रहेगी पूरे सालों रहेगी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरी बात को और वह मत लेना क्योंकि हमारी टीम में भी जितने लोग हैं सभी प्रसन्न हैं सभी पूछते हैं सभी एक्सपर्ट हैं कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है तो मैं सभी को एक ही राय देता हूँ कि सलाह देता हूँ कि यार जितना मेरे को एक्सपीरियंस है भाई मेरे को बुरा मत समझना कि आपका पैसा भी नहीं जाए सेफ रहें सेफ बैट खेलें और होश में जोश ना खोएं कई लोग कहते हैं सर इतना हो गया उतना हो गया तो इतना लगाने की आवश्यकता ही नहीं है जब रेसिंग का मतलब है कि आपको चांस मिला है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये तो देखो रेस नंबर सिक्स है ना बाकी सूरज को तो मुझे आज थोड़ा सा डाउट लग रहा है एक दो रेसेस खा जाएगा वो चार रेस में है उसमें जो दो खा जाएगा दो में शायद आ सकता है तो सेवन फिलोसॉफी को ही खेलो ये बेटर है डे बेस्ट भी है और मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड रहना चाहिए बाकी अगर आपको फ्लूक देखना है इसमें तो निकोलिना बड़ा फ्लूक हो जाता है बड़ा फ्लूक बोले तो चार या पाँच के बाद एक्सलेंट रे पर सूरज को बिठाया है पता चलता है कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर बेस्ट और सूरज के पास होते हैं वो खा जाता है और जहाँ बेकार होता है वो जीत जाता है प्रैक्टिकल भी रेसिंग में बहुत काम आता है ये हैंडी कैपिंग वगैरह कुछ काम नहीं आती है हमें आज तीन साल हो गए पेट टिप्स प्रोवाइड कराते हुए दिल पर हाथ रख के बताओ और बता भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हाँ ठीक है हमारी भी एक दो दिन तीन चार दिन गड़बड़ हो जाती है महीनों में पाँच सात दिन भी हो जाती है कभी कभी लेकिन रिजल्ट ओवरऑल हमारा बहुत अच्छा रहता है ठीक है ना कभी कभी तो नौ की नौ दस की दस ऐसे भी आती है तो एक्सलेंट रे भी हो सकता है लोग खेले क्योंकि पिछली बार विनर है बट मेरे ख्याल से फिलोसफी को जीत जाना चाहिए बाकी निकोलिना है ही एक आ, मेरे ख्याल से फेवरेट है ही निकोलिना बाकी तीन नंबर ठीक है चार नंबर भी एक है स्टोर्मी ओशियन ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा तो करेगा इसको फिलोसॉफी को तो फिलोसॉफी हमारी चॉइस रहेगी विन के लिए क्योंकि विन में क्या एक ही चांस मिलता है अगर आगे पीछे नेक्स्ट से हो गया इससे हो गया प्लेस में क्या तीन चांस मिलते हैं सेफ हो जाता है आदमी चाहे सत्तर पैसा मिले अस्सी पैसा मिले मुझे लगता है कि आज बेंगलोर में भाव मिलेंगे क्योंकि घोड़े भी सब में पंद्रह पंद्रह चौदह चौदह यार तो सभी को पढ़ना पड़ता है लोग क्या ओवरऑल ऊपर ऊपर से देख करके नहीं होता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सभी को मालूम है कि मेरा यही पैसन है और यही बहुत तगड़ा पैसन है रात भर स्टडी करता हूँ दो दिन मिला है आज अब देखें कल से तो रोज रेसेस है नए साल में दो दो सेंटर है कल दो सेंटर है परसों भी दो सेंटर है और कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे सर कैसे देते हैं क्या देते हैं तो सबको मालूम है आज बताने की आवश्यकता है ही नहीं ठीक है ना और पेशेंस रखना है और हम हमारी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करेंगे लेकिन डिस्क्लेमर देंगे कि पेशेंस रखना है आ भी सकता नहीं भी आ सकता कभी अगर हॉर्स निकला ही नहीं कभी कुछ और हो गया एट दी पैडक पेडक पे आने के बाद हॉर्स की सिचुएशन देखने के बाद कुछ और हो गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता ये रेसिंग है तो हमेशा सत्य बोले और अच्छे से काम करें 2024 का एक निर्णय है कि हम कुछ ना कुछ 2024 में करेंगे बड़ा और सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने इन तीन चार साल के दौरान देखा है रेसिंग में पेट के दौरान भी और फील के दौरान भी कि निष्ठावान नहीं है निष्ठावान मतलब कि सच्चे और ईमानदार बनने में थोड़ा सा समय लगता है रेसिंग फंटर को लेकिन सच्चा और ईमानदार रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएगा ठीक है ना और ये आना जाना तो चलता रहेगा हमारी तो चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल है उतना तो आपको जाने आने का लग जाता होगा यार एक गाइडेंस हो जाती है ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू आर मस्त रहो और दो दिन बचे हैं मंथली पैकेज धड़ाले से शुरू हो चुका है सभी लोगों का स्वागत है लास्ट रेस में एक काम और करो देखो ब्रीजर तो फेवरेट होगा शायद ये क्या नाम है इसका छः नंबर तो फेवरेट पे मत जाओ क्योंकि फेवरेट क्या है हमारी टीम में ए और वो खिलाने और खाने वाले भी हैं ये ब्रिज ब्लस्टर जो है ना ये फेवरेट हो जाएगा इस पर विवेक जी को बिठाया विवेक के पास भी आज घोट्स सच्चे हैं बट शेक मेट को ट्राई कर सकते हो आप शेक मेट नो डाउट वेरी गुड और से है पाँच नंबर इसको कोई नहीं देगा शेक मेट को ट्राई कर सकते हो सॉलिड पावर को देंगे लोग सॉलिड पावर भी वेरी गुड और से तोफ़ खान बैठ के फ्लूक में सेगमेंट को ले लो <coughs> बाकी छः नंबर ऑन बोर्ड है काफ़ी सारी टिप्स वीडियो को माध्यम से दे दी है बाकी और भी स्टडी एट दी मोमेंट एक घंटे पहले तक भी हम करते हैं उसके बाद प्रोवाइड कराते हैं और मेरी बातों को ऑडर में कभी मत लिया करो मैं जो भी रेसिंग में यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगा फ्री में भी बनाऊंगा तो बहुत सोच समझ के बनाऊंगा क्योंकि यहाँ लोगों का पैसा लगता है जोखिम है बच बच के खेलें पेशेंस से खेलें और हमेशा स्वस्थ रहें मस्त रहें और आना जाना सब चलता रहेगा जो लिखा है वो होगा हो ही होगा तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू आर हमारी टीम एक परिवार की तरह है और आज महीना भर पूरा तीन साल हो गया यार हमको अब जनवरी से और धूम मचाएंगे 2024 में कुछ नया कारनामा करेंगे उम्मीद है कि सभी मस्त रहें थैंक यू आपका दिन सुबह